उज्जैन जिले की सभी तहसील उज्जैन शहरी, उज्जैन ग्रामीण, उज्जैन कोठी, महल, खटिया, तराना, मागडोन, महितपुर, झालडा, बड़नगर, खाचरोद व नागदा में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस पार्टी में शुक्रवार के दिन विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम SDM पुरुषोत्तम कुमार को सौंपा ज्ञापन में बताया गया कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि देश में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल, डीजल, LPG से लेकर खाद्यान्न सामग्री की बढ़ी हुई कीमतों ने आम जन का जीना मुहाल कर रखा है। अनाज, आटा, दूध, दही जैसी आवश्यक सामग्री पर GST लागू करने से महंगाई और बढ़ी है। वहीं देश में बेरोजगारी भी अप्रत्याशित रूप से आसमान छू रही है। गांवों में, शहरों में, संगठित क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में हर जगह बेरोजगारों ने विकराल रूप धारण कर रखा है। देश ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का एक चरण भी देखा जा रहा है। इसके अलावा विवाद स्तंभ, खराब कल्पना और जल्दबाजी में तैयार की गई अग्निपथ योजना भी, जिसमें कई जोखिम है, न केवल शस्त्र वालों की लंबे समय से चली आ रही परंपराओं और लोकाचार को नष्ट कर दिया गया है, बल्कि लाखों बेरोजगार युवाओं की आकांक्षाओं को भी नष्ट किया गया है। ऐसे कई मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन पर माननीय को महंगाई, GST पर अंकुश लगाने के लिए ज्ञापन प्रेषित किया है। नागरिक किसान के हित में गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिए जाने के आदेश प्रदान करने का कष्ट करें और छोटी छोटी खाद्यान्न वस्तुओं पर लगाई गई GST को वापस लिया जाए। टीम भारती न्यूज। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ GST जो इस प्रकार दूध, दही और जो खाद्यान्न वस्तुओं पर लगाई गई है उनके विरोध के स्वरूप आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। उसके तात्पर्य में आज हमने भी प्रदर्शन करके महंगाई पर रोक लगाने के लिए GST कम करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। आप लोग देखें कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पेट्रोल, डीजल और खाद्यान्न वस्तु को कम करने का वादा किया था। आज देखें महंगाई 4 गुना बढ़ चुकी है, बेरोजगारी अपने चरम पे है और भारतीय जनता पार्टी लगातार यदि कोई कांग्रेस के नेताओं पर दावा बना के महंगाई के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं करे, इसलिए लगातार झूठे दावा बनाकर उनको उनके आवाज़ को दबाना चाहती है। आज लोकतंत्र में तानाशाही प्रवृत्ति पूर्ण रूप से हावी हो चुकी है, तो निश्चित रूप से हम आज महंगाई के खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है, ये शुरुआत है, आने वाले समय में इससे बड़े आंदोलन हमारे द्वारा किए जाएंगे। दिलीप गुज, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना और आवश्यक वस्तुओं पर GST लगाए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है, जो उचित माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। Subscribe now to most exciting channel ever.